देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पौड़ी के घुड़दौड़ी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार फिर से माहौल तनावग्रस्त हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों और छात्रों के बीच मामला बढ़ गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने छात्रों पर आरोप लगाया कि छात्रों ने उसके परिवार को जान से मारने और रेस्टोरेंट में आग लगाने की धमकी दी है। स्थिति को देखते हुए कॉलेज परिसर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि चंद रोज पहले छात्रों व रेस्टोरेंट संचालक के बीच हुई मारपीट को पुलिस ने जैसे तैसे शांत कराया था। अब ताजा विवाद से फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के दो छात्र पौड़ी आए थे। दोनों छात्र एक फास्ट फूड सेंटर में बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्ति पहुंचे व छात्रों के साथ झगड़ने लगे। विवाद बढ़ने पर उन्होंने छात्रों की पिटाई कर दी। दोनों घायल छात्रों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी तो दे दी, मगर इस बात की सूचना इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचते ही छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने पौड़ी में हुई मारपीट की घटना के पीछे घुड़दौड़ी के रेस्टोरेंट संचालक का हाथ मानते हुए वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद ही कॉलेज परिसर में माहौल तनावग्रस्त हो गया। हंगामा देखते हुए कॉलेज में फिर से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्टोरेंट मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में जो भी तोड़फोड़ करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही रेस्टोरेंट मालिक ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग पुलिस से की है। पुलिस से सामने रखते कि भाई हमने इनके साथ ये किया, या ये बताएं कि हमने इनके साथ क्या किया जो उन्होंने हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी, मम्मी के साथ मारपीट की, चाची को घर में पत्थर मारे, उनके ऊपर चाची को सीधे बोल रहे उंगली करके कि हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, तेरे बच्चों को। चाची उनको भाई फेस जानती है, वो लड़के ही बगल हॉस्टल के, वो क्या नाम है उसका, विकास आर्या एक लड़का है और उसके साथ एक दूसरा, उसका नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। हाँ, इनका इन दोनों चाची को वहाँ से उंगली करके बोल रहे हैं कि तुम्हें जिंदा जला देंगे। ये बताइए, हम यहाँ जिंदा जलाने के लिए बैठे हुए कि कोई हमें आए और जिंदा जला दे? हमारी आप गलती बता दीजिए, हमें घर में फांसी लगा दीजिए, हम तैयार हैं, गोली मार दीजिए अगर हमारी कोई गलती है तो। लेकिन इसमें अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। प्रशासन से मांग ये है हमारी कि एक तो पहले सिक्योरिटी दी जाए, और सिक्योरिटी और ये जो गिरफ्तारियां जल्द से जल्द की जाए। जो माहौल इतना ज़्यादा ख़राब किया जिन बच्चों ने, जो ये शराब पी के रोज यहाँ गाली गलोच और ये लेडीज़ों को धमका रहे हैं, मम्मी यहाँ से छुटकारा पाए, और उनको मेरे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, स्कूल नहीं जा रहे, और चाह रहे हैं कि इन पे कोई केस किया जाए। क्या यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, सब कुछ कर दिया यहाँ, तोड़ फोड़ कर दी। हम कल तो मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से भागी, इन्होंने सब यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, यहाँ दुकान में भी, ऊपर दुकानों में भी। मामला ये है कि मैं अकेली थी यहाँ पे, ऊपर से कम हजारों बच्चे आए, उन्होंने ऊपर से पत्थर उठाए और यहाँ हमारी पूरी शीशे, वो जो कैमरा था वो भी तोड़ दिया, शीशे वीशे सब तोड़ दिया। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, ये बताओ कि मामला क्या है, किसने क्या किया। और मैंने उनको हाथ जोड़ने के पाँव पकड़े, उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ने से पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटा, मेरा ये सारी चूड़ी। ये कल पौड़ी के बस अड्डे के पास एक रेस्टोरेंट में घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों के साथ कुछ मारपीट हुई थी। उसके बाद घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कैंटीन में भी तोड़फोड़ हुई और कैंटीन मालिक के रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ हुई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई और तुरंत नियंत्रण किया इस पर, और पुलिस मौके पर तैनात कर दिया गया है। और जिन लड़कों के साथ कल बाजार में मारपीट हुई थी उन्होंने तहरीर जो दी थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे साक्ष्य हो गए वो पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी, और जो कैंटीन मालिक और उनके रेस्टोरेंट में जो तोड़फोड़ हुई है उनके द्वारा भी अभी तहरीर दी जा रही है, और उस तहरीर के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।